ये वीडियो 10th और 12th दोनों के लिए है, ठीक है, ये दोनों के लिए है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो, जैसे जॉर्ज वाशिंगटन राष्ट्रपति अमेरिका के, ठीक है, एक लकड़हारा के पुत्र जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं, इंसान मंगल ग्रह पे जा सकता है, तो 2000 बोर्ड परीक्षा के टॉपर आप क्यों नहीं बन सकते हो, बोर्ड परीक्षा 2022 में अच्छे मार्क्स आप क्यों नहीं ला सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपका बोर्ड एग्ज़ाम है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन से समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करें, क्या करें, कब पढ़े, किस टाइम पढ़े, कब और कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, तो ये वीडियो आपके लिए यार। अगर इस वीडियो को अंत तक आप देख लेते हो तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपकी तैयारी जीरो हुई है, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब भी आप बोर्ड एग्ज़ाम में 80% ला सकते हो। केवल वो केवल इन 6 टॉपिक को आपको फॉलो करना और आपके बोर्ड में आपकी उम्मीद से ज़्यादा आपके नंबर हो जाएंगे। केवल वो केवल इन टॉपिक को फॉलो करो। तो ये चीज़ें आपने पढ़ लिया, अगर इन सब चीज़ों में अगर आपका डाउट है तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। तो देखो, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, मैं कुछ पहले इससे रिलेटेड चीज़ों को बता देता हूँ कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, यानी कि इम्पॉसिबल भी कहता है कि आई एम पॉसिबल, यानी कि मैं संभव हूँ। आप अपने अंदर की ताकत को थोड़ा सा पहचान लो, अपने अंदर की ज्वाला को जगाओ, अपने लिए नहीं अपने माता पिता के लिए एक पल सोचो, तुम कर सकते हो लेकिन अभी तुम शुरू नहीं किए हो, इस चीज़ को आप ध्यान देना, ठीक है। और पहला जो टॉपिक आता है कि अगर आपका कल परसों या जब भी कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, उसे सुबह ज़रूर पढ़ना है, वो भी 4 से 6 बजे तक, जब तक आपका एग्ज़ाम है उसको बिल्कुल रिलेटेड पढ़ना है, ठीक है, एकदम उसे दिन और रात मेहनत कर पढ़ना है। और उस क्वेश्चन को जो भी आपका मतलब कि सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बैंक है, उस क्वेश्चन बैंक का आपको जितने भी इम्पोर्टेंट जो 2 से 3 बार 4 बार आए हों, उन सब चीज़ों को एक सरसरी निगाहों से पढ़ना, इसलिए पढ़ना है क्योंकि अगर उसका एक कीवर्ड भी याद होगा उससे रिलेटेड अगर आप लिखते हो तो आपको टीचर खुश होकर ही नंबर देगा, ठीक है। ये चीज़ों को आपको ध्यान देना है। अगर इसकी अब इसके बाद मैं नेक्स्ट चीज़ों को बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा एक ये आ जाती है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। अब देखो, टॉपर क्या करते हैं, वो भी आप ही जैसा पढ़ते, ठीक है, अगर आप NCERT पढ़ते तो वो भी NCERT पढ़ते, हर एक चीज़ आपके ही जैसा है। और एक महीने या जो ये फर्स्ट डेज वाला तैयारी होती है ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है, आपने साल भर में क्या पढ़ा वो तो डिपेंड करता ही करता है, लेकिन ये जो आपके कुछ दिन होते हैं एग्ज़ाम से पहले, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बना देते हैं, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों को देख लेना है। महत्वपूर्ण जो सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है, 60 क्वेश्चन है, डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल है, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, ये टॉपर कहते हैं, इन सब चीज़ों को एक बार देख लेना, जो चीज़ें न समझ में एक बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आती है उससे ही रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस टाइप के पूछे जाते हैं, इसलिए अगर आप प्रैक्टिस किए रहोगे यार तो कुछ हल कर सकते हो। इसके बाद आपको एक लक्ष्य निर्धारित कर लेना, ठीक है। आपको एक बोर्ड परीक्षा में यार ऐसा कोई नहीं है जो लक्ष्य निर्धारित न करे, आपको लक्ष्य निर्धारित कर लेना कि मैं बोर्ड परीक्षा में 90 या 95% लेकर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए और चाहे जितनी मुझे मेहनत करनी पड़े। आपको मेहनत बिल्कुल एकदम जी जान से कर लेना उस सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि वो रिजल्ट जो होता है वो आप अपने जीवन भर रखेंगे, अपने जीवन साथी को भी दिखाओगे यार तो कहीं निकालने में आपको थोड़ा सा शर्म न महसूस हो, इसलिए आपको दिन भर रात मेहनत करना है। कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, मुझे 90 से 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप जब लक्ष्य बनाओगे तभी आप अपने कार्य उसके अनुरूप कर पाओगे। तो यहाँ पे किसी ने सही ही कहा कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं जीता वह जो डरा नहीं, तो आपको इस समय अपनी सहानुभूति बनाकर रखना है और आपको कायरता नहीं दिखाना है, आपको उसमें हिम्मत की ज़रूरत है, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है तो क्या किसी को कुछ कर लेगा क्या बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है, ये सोचना है कि बोर्ड एग्ज़ाम यार इंसान ही देता है न कि कोई और देता है भगवान। तो ये सब चीज़ों को अब देखो, अगर आपको कुछ चीज़ें को कन्फ्यूज़न होता है तो आप लिख लिख कर याद करने की कोशिश भी कर सकते हो, ठीक है, इससे आपकी लेखनी भी सुधरेगी। और कौन से टॉपिक को कितना समय देना है जिससे कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में समय भी मैनेज हो पाए, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना है कि समय भी काफ़ी ज़्यादा मैनेज होगा। और
चीज़ें लंबे समय तक आपको याद भी रहेगी और आपकी लेखनी भी सुधर जाएंगी, और जिससे जो कि लेखनी सुधरती है तो आपको बोर्ड परीक्षा में प्लस पॉइंट देगी। अब यहाँ पे किसी ने सही ही कहा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अगर आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है फिर भी आप कोशिश करिए, आप अपने को डीमोटिवेट मत कर दीजिए कि नहीं अब मैं कुछ नहीं पढ़ा हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं फेल हो जाऊँगा। ये आप चीज़ें, ये जो आप बीज बो रहे हो ना, ये बीज ही आपके अंदर उस तरह का हार्मोन्स उत्पन्न कर देगी और आपके जो शरीर है, आपके जो दिमाग है वो उसी तरह से ढल जाती है। ये साइंस कहती है, ठीक है। तो आपको इस तरह का, आपको नेगेटिव हार्मोन्स अपने अंदर नहीं उत्पन्न करना, आपको पॉजिटिव हार्मोन्स उत्पन्न करना है, ठीक है। आप पॉजिटिव हार्मोन्स उत्पन्न करोगे तो इससे होगा क्या कि आपका शरीर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होगा और कुछ चीज़ों को सीखने के लिए वो कुछ चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका जो माइंड होता है वो चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि आपने इस तरह का हार्मोन्स अपने अंदर उत्पन्न कर लिया कि वो चीज़ें नेगेटिविटी वाला। तो आपको नेगेटिविटी नहीं करना है, पॉजिटिविटी लाना है और ये सोचना है कि कौन सा काम इंसान से नहीं हो सकता, भले समय कम है लेकिन मैं पूरी मेहनत तो करूँगा यार, कोशिश तो करूँगा, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। अब जो लास्ट पॉइंट है ये आपको देख लेना है।